भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा यह लेक्चर दो पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट सेकंड को हम पढ़ेंगे। आप में से जिसने भी पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, पहले जाके पार्ट फर्स्ट को देखिए, वरना पार्ट सेकंड समझ में नहीं आएगा। मेरा यह लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा। पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले मंडल थ्योरी को पढ़ेंगे। मंडल थ्योरी में कौटिल्य ने उस राज्य के बारे में बताया है जो राज्य अपना भूमि विस्तार करना चाहता है। मंडल थ्योरी को समझने से पहले हमको दो ऑब्जर्वेशन को समझना पड़ेगा। पहला है, आपका पड़ोसी हमेशा आपका दुश्मन होगा। जैसे अगर भारत राज्य है तो भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी चाइना, दोनों भारत के दुश्मन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है, पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा मित्र होगा। भारत और पाकिस्तान आपस में दुश्मन है, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आपस में दुश्मन है, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्वतः ही दोस्ती हो जाएगी। कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, वो भी हमको समझनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, एक राज्य है, उसके आगे की तरफ दुश्मन या दोस्त होते हैं, उसके पीछे भी राज्य होते हैं जिनमें से कोई दुश्मन होता है, कोई दोस्त होता है। भारत यहाँ भाग्यशाली है, भारत के पीछे कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि भारत के पीछे इंडियन ओशियन है, भारत के आगे पाकिस्तान, चाइना और भी कंट्रीज है, ठीक है। तो कौटिल्य ने यहाँ पे उस राज्य के राजा को विजुगिषु कहा है जो अपना भूमि विस्तार करना चाहता है। पहला हो गया विजुगिषु। दूसरा एरी, यानी आपका दुश्मन पड़ोसी। तीसरा है मित्र, यानी आपका दोस्त। चौथा है अरी मित्र, आपके दुश्मन का मित्र, यानी हमारे लिए कौन हो गया, जो पाकिस्तान का मित्र होगा या जो चाइना का मित्र होगा। मित्र मित्र यानी मित्र का दोस्त। अरी मित्र, दुश्मन के मित्र का मित्र, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जिस प्रकार आपके आगे राज्य हैं, आपके पीछे भी राज्य होंगे। पीछे की साइड में चार प्रकार के राज्य हो सकते हैं। पाषाणी ग्रह है, पीछे का दुश्मन। आक्रंदा, पीछे का मित्र। पाषाणी ग्रहासार, पीछे के दुश्मन का मित्र। आक्रंदासार, पीछे के मित्र का मित्र। इन सभी टर्मिनोलॉजी को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। इसमें देखो, ये जो एक नंबर है, ये है विजुगिषु। विजुगिषु के पड़ोसी अरी यानी दुश्मन, फिर मित्र, फिर अरी मित्र यानी आपके दुश्मन का मित्र, फिर मित्र मित्र यानी आपके मित्र का मित्र, फिर अरी मित्र मित्र आपके दुश्मन का मित्र। कितने स्टेट हो गए, पांच टाइप के। अब पीछे पाषाणी ग्रहा, आपका पीछे का दुश्मन। आक्रंद, पीछे का मित्र। पाषाणी ग्रहासार, पीछे के दुश्मन का मित्र। आक्रंदासार, पीछे के मित्र का मित्र। यहाँ पे साइड में भी दो प्रकार के राज्य हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम वह राज्य होगा जिसकी सीमा दोनों राज्यों से मिलेगी। जैसे अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा हो, तो चाइना या मध्यम की भूमिका में रहेगा, क्योंकि चाइना की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। मध्यम जो राज्य है, ये इतना शक्तिशाली होता है कि जिस भी राज्य के साथ जाएगा वो जीत जाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थिति में चीन दोनों में से जिस राज्य के साथ देगा वो स्वतः ही जीत जाएगा। इसलिए विजुगिषु को मध्यम को हमेशा डराते रहना चाहिए, इसको यह आभास करा देना चाहिए कि अगर इसने हमारे दुश्मन का साथ दिया तो हम इसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। चौथा है उदासीन। उदासीन राज्य वो होता है जिसकी दोनों ही राज्य से सीमा नहीं मिलती है। अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा हो, तो अमेरिका उदासीन की भूमिका में होगा।
अमेरिका की भारत और पाकिस्तान दोनों ही राज्यों से सीमा नहीं मिलती है, लेकिन उदासीन राज्य इतना शक्तिशाली होता है कि दोनों राज्यों को एक साथ हरा सकता है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक साथ हरा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि कोटिले के मंडल थ्योरी में कुल 12 प्रकार के मंडल या राज्य होते हैं। 5 ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर की तरफ, 4 नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, 2 साइड में हो गए, 11, 1 विजुगिसु खुद। इस प्रकार कोटिले के मंडल संरचना में कुल 12 प्रकार के राज्य या 12 प्रकार के मंडल हो गए। हर मंडल में एक राजा होता है, इसलिए कुल 12 राजा हो गए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोटिले के मंडल थ्योरी में कुल कितने मंडल होते हैं, तो 12। हर मंडल में एक राजा होता है, तो कुल राजाओं की संख्या 12। ये हमने देख लिया है कि आगे 5 मंडल हो गए, पीछे 4 मंडल हो गए, खुद एक विजुगिसु मंडल हो गया। इस प्रकार मंडल की संख्या 12 और मंडल में राजाओं की संख्या भी 12। हमने पहले पढ़ा है साप्तांग थ्योरी में हर राज्य में 7 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 5 सब एलिमेंट्स होते हैं। एक राज्य में 5 सब एलिमेंट होए, हमारे पास 12 राजा है या 12 मंडल है, तो कितने हो गए, 60। 60 एलिमेंट्स हो गए, प्लस अगर हम 12 राजा को जोड़े तो मंडल थ्योरी में कुल मिलाकर 72 एलिमेंट्स हो गए। ये देखो, अतः मंडल के समस्त राजाओं की प्रकृतियों की संख्या बेहतर होती है, और इसको द्वादश राजमंडल भी कहते हैं, क्योंकि 12 राजा होते हैं या 12 राज्य होते हैं। इसलिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो। राज्य के 7 तत्व बताए थे, ऑर्गेनिक थ्योरी में उन्होंने उन 7 तत्वों की तुलना मानव शरीर के अंगों से की है। हम देखते हैं कि किस एलिमेंट्स की तुलना किस अंग से की है। पहला आता है राजा, क्योंकि राजा राज्य में स्रोत, पहला एलिमेंट है राजा। हम जानते हैं कि राजा राज्य में सर्वोच्च होता है, इसलिए उसकी तुलना मानव शरीर के सिर से की है, सिर से। दूसरा है अमात्य, अमात्य को राज्य की आंखें बताया गया है। तीसरा है मित्र, मित्र को राज्य के कान के समान बताया गया है। चौथा जो हमारा है कोष, कोष को राज्य का मुख बताया गया है। सेना, सेना या दंड, इनकी तुलना राज्य के मस्तिष्क के समान की गई है, या दिमाग, ब्रेन ऑफ द स्टेट बताया गया है। पांचवा दुर्ग, राज्य की बाहें बताया गया है। सातवां है जनपद या भूमि या प्रजा, इनको राज्य की जंघाएं, फुट ऑफ द स्टेट बताया गया है। इस प्रकार 7 एलिमेंट की तुलना ह्यूमन बॉडी के 7 ऑर्गेन से की गई है। यहाँ एक एमसीक्यू है, कोटिले ने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया? ये इसका आंसर देने के लिए पहले आपको पाठ पुस्तक देखना पड़ेगा। ऑप्शन है देवी सिद्धांत, नहीं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, बिल्कुल। कोटिले ने बताया कि राज्य की उत्पत्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से हुई है। मार्क्स सिद्धांत, नहीं, प्रतिसत्ता, नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यहां हम पढ़ेंगे कि कोटिले की तुलना मैकियावेली से क्यों की जाती है। आपको ये पता होगा कि कोटिले को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, लेकिन किन कंडीशन पे कहा जाता है, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, ये हम देखेंगे। दोनों को ही अपने राज्य, अपनी भूमि को लेकर सोच एक जैसी थी। दोनों ने ही जो राज्य के लिए जो कहा है वो दोनों सेम था। दोनों ही राज्य की आंतरिक स्थिति को सुधारना चाहते थे, यहाँ कहते नहीं है, चाहते हैं, और बाहरी आक्रमण से राज्य को सुरक्षित करना चाहते थे। दोनों ही यथार्थवादी थे, यानी दोनों ही रियलिस्ट थिंकर थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। चाहे द प्रिंस हो या अर्थशास्त्र, दोनों ही राज्य के संचालन से संबंधित है। प्रिंस में भी यह लिखा है कि एक स्टेट को कैसे रन करना चाहिए, और कोटिले ने अर्थशास्त्र में भी यही लिखा है कि एक स्टेट को कैसे चलाना चाहिए। ये भी दोनों में एक सिमिलरिटी हो गई।
दोनों ने ही राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। दोनों ने ही राजा को धर्म को साथ लेकर चलने को कहा है, ये भी देखा आपने। दोनों ने भौतिक कल्याण को ही सर्वोत्तम माना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कौटिल्य थे और जो मैकियावेली थे दोनों ही मेटेरियलिस्टिक थिंकर थे। एक एमसीक्यूज है उसको देखेंगे। कौटिल्य के अनुसार राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5, 6, 7। यह हमने पढ़ा था अभी साप्तांग थ्योरी में, बताया गया है कि जो राज्य है इसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौटिल्य की 6 नीतियां, 6 फोल्ड पॉलिसी ऑफ कौटिल्य। एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या नीति अपनी चाहिए, ये कौटिल्य ने बताया है अपनी 6 नीतियों में। कौटिल्य के अनुसार अगर राजा को ये लगे कि हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो संधि की नीति अपनानी चाहिए, यानी उससे समझौता कर लेना चाहिए। दूसरा, राजा को ये लगे कि हमारा दुश्मन हमसे कमजोर है तो राजा को विग्रह युद्ध की नीति अपनानी चाहिए और अपने दुश्मन को जीत लेना चाहिए। तीसरा, आसन या उदासीनता, तटस्थता, न्यूट्रलिटी। अगर राजा को ये लगे कि हमारा दुश्मन हमारे बराबर ताकतवर है, ना तो वो हमारा नुकसान कर सकता है ना हम उसका नुकसान कर सकते हैं, इस कंडीशन में तीसरी नीति अपनी चाहिए न्यूट्रलिटी की और युद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्थ नीति है यना। अगर राजा को ये लगे कि हमारी ताकत बढ़ाने पर हम हमारे दुश्मन को हरा सकते हैं तो राजा को ये काम करना चाहिए मार्चिंग का, और अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। पांचवा, युद्ध में जाते समय राजा को मित्रों की आवश्यकता होती है, विपरीत परिस्थितियों में आपको दोस्त के सहयोग की आवश्यकता होती है, अतः राजा को अपने दुश्मन से ताकतवर राजा को या राज्य को अपना दोस्त बनाना चाहिए। छठी नीति द्वेधी भाव यानी डबल पॉलिसी। इसमें जो राज्य आपसे कमजोर है उसके साथ युद्ध करना चाहिए, जो राज्य आपसे मजबूत है ताकतवर है उसके साथ शांति की नीति अपनानी चाहिए। ये कौटिल्य की 6 नीतियां थी। अब कुछ जो बच गए उन फैक्ट के बारे में जानते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख किया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो गद एवं पद दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। कौटिल्य ने 4 उपाय बताए हैं, साम, दाम, दंड, भेद। ये बहुत फेमस है, आपने खूब जगह सुने होंगे। कौटिल्य ने 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है अपने ग्रंथ में। इसके अलावा कौटिल्य ने गुप्तचरों को महत्व दिया है, सीक्रेट मैन, और 9 प्रकार के गुप्तचर के बारे में बताया उन्होंने। वो कौन से हैं ये जाना ज्यादा जरूरी नहीं है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की विद्याओं के बारे में बताया है, आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। इनको याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन देके 3 ये दे देंगे, 1 और दूसरा देके पूछ लेंगे। कौटिल्य ने 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है, 4 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है। कौन कौन से? जनपद, संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय। इनको याद रखना है, ये फैक्टर है। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधन बताए हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार। कौटिल्य ने स्पिरिचुअल लाइफ की बजाय मेटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बताया है कि व्यक्ति के लिए मेटेरियलिस्टिक लाइफ ही सबसे अच्छी होती है। कौटिल्य के अनुसार राज्य में वैश्य एवं शूद्र
जो लोग हैं इस कैटेगरी जो लोग हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। ये एक एमसीक्यू है। राज्य की उत्पत्ति से पहले मत्स्य न्याय की व्यवस्था प्रचलित थी, ये किसने कहा? ऑब्वियस ही बात है, ये कौटिल्य ने कहा था। इस प्रकार हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में पूरे भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई पार्ट बच गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से एक छोटा वीडियो बनाकर उसको ऐड कर दूंगा। धन्यवाद।